गुड मॉर्निंग एवरीवन. यू नो वी हैव टू बाय एक्चुअली टिकट्स, लेकिन यहाँ पर कोई अवेलेबल नहीं है, तो शायद बिना टिकट लिए अंदर घूमना पड़ेगा. पता नहीं क्यों, बिकॉज 10 रुपये की टिकट है, लेकिन किसी को पैसे नहीं लेने यहाँ पे. माय फ्रेंड ताहिल, और चलो फिर ढूंढते हैं कुछ, बिकॉज यहाँ पर तो कोई है नहीं. यू नो आज मुझे जैकेट नहीं पहनना था, बिकॉज आई वॉन्टेड टू लुक कूल. इतनी सेक्सी बॉडी हो गई मेरी अभी डाइटिंग कर करके, बट आई वॉन्टेड टू एक्चुअली कम या नेकेड. लेकिन फिर सोचा कि मेरे ये ब्लैक हेडफोन्स है, तो चलने में भी तकलीफ हो रही है. ब्लैक हेडफोन्स से मेरे ऑडियो टेक्निक जाके उसके साथ में माई प्रोटीन का जैकेट काफ़ी मैच हो रहा है, और इवन माई प्रोटीन में 25% का सेल भी चल रहा है. तो डिस्काउंट कोड एंड लिंक और सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में, ज़्यादा बात नहीं करनी. और इसके अंदर जो शर्ट है Myprotein का, वो मेरा फेवरेट है, बिकॉज ये जो Myprotein की क्लोथिंग है, कल मैंने एक्चुअली मेरा नॉर्मल टी शर्ट पहना मिंत्रा वाला, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ पहना हुआ है, और जब ये Myprotein वाली चीज़ डाली मुझे लगा आई एम नेकेड. सो दैट्स वाई आई एम वेयरिंग Myprotein क्लोथिंग ऑल द टाइम. सो Myprotein क्लोथिंग गिव इट अ ट्राई डेफिनेटली. वी वर शूटिंग फॉर अ पिक्चर हियर, और एक काफ़ी सही सा शॉट लिया है मैंने, और वो मैंने इंस्टाग्राम पर मैं पोस्ट करूँगा. तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए @aestheticcccssss, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि मॉर्निंग वॉक में कोई इतना अच्छा दिख सकता है. तो आप भी बताएं मुझे, मैंने कैप्शन भी वही डाला है, और वहाँ पर एक्चुअल में आप देख सकते हैं जल्दी से, तो वहाँ पर मतलब 4-5 लोग पुलअप बार जो होती है और मंकी बार, वहाँ पर 15-20 मिनट से रुके, मतलब एक्सरसाइज नहीं कर रहे, डिप्स नहीं मार रहे, पुलअप नहीं मार रहे, या कुछ कर ही नहीं रहे, लेकिन वहाँ पे रोक के बस बातें करें मोबाइल से. तो आपको बातें करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो पुलअप बार से थोड़े दूर जाए, तो हमारे जैसे सेक्सी लोग वहाँ पे आके कुछ शर्टलेस होके फिर वीडियो बना सकते हैं. लेकिन अगर वो दूर नहीं गए तो फिर मैं उनके सामने शर्ट निकाल दूँगा, तो कुछ सब्सक्राइबर भी खो जाएंगे शायद. और एक दूसरी बात मुझे करनी है, बिकॉज नींद और रेस्ट की बात करनी, बिकॉज आपने देखा होगा पिछले 2 दिन से मैं कुछ इतनी खतरनाक एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम नॉट स्लीपिंग, और रेस्ट का इम्पोर्टेंट काफ़ी ज़्यादा होता है. तो ये जो रेस्ट की बात है वही मैं आपके साथ करना चाहता हूँ, बिकॉज एवरी टाइम यू सी ऑन यूट्यूब आप सब गो हार्ड और गो होम, उस तरीके से काम नहीं होता है, बिकॉज आपकी बॉडी है नेचुरल, उसे रिकवरी के लिए टाइम चाहिए. और जो लास्ट वीक से मतलब मेरी अभी जो बॉडी है, मुझे लगता है कि जो CR7 वाला मैंने शॉट दिया था उसके लिए मैंने काफ़ी जंप मारे थे, तो उसका भी कुछ इफेक्ट दिख रहा है. और साथ ही साथ मुझे पिछले 7 या 8 दिन से सेवनली स्लीप डिप्राइव था मैं, तो कल तो डेफिनेटली मैं 5.5 घंटे सो सका, बाकी तो फिर 2-3 घंटे ही सो रहा था. तो यार रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और बिकॉज आई हैव नॉट टेकन इनफ स्लीप, मैं कुछ उतना खा भी नहीं पा रहा हूँ अभी, तो माई बॉडी इज़ करंटली रियली फ्रेजाइल, बट इट इज़ लुकिंग सेक्सी. सो आई विल डू सम ग्रोसरी शॉपिंग टूडे, बिकॉज हाई कैलरी फूड खरीदने पड़ेंगे, कैश्यूज एंड नट्स एंड ऑल, बिकॉज ज़्यादा खाना मुझे आजकल पसंद नहीं आ रहा है, तो वो थोड़ा खा के ज़्यादा कैलरी मिल जाए वो करेंगे. और अभी एप्स वगैरह देख के आते हैं वहाँ पर. बारिश टू कोल्ड, काफ़ी ठंडी, और मुझे ये दोबारा नहीं पकड़नी. ओके, तो मेरा गोल क्या था कि सबसे पहले मैं एक सेट मारूं एप्स का, और उसके बाद में फिर शर्ट निकाल के एप्स आपको दिखाऊं, तो आपको ऐसा लगे नहीं नहीं ये नेचुरल प्रोग्रेशन था. लेकिन अभी वो सारी चीज़ नहीं है, बिकॉज तो बारिश टू कोल्ड, और मुझे कुछ ऐप की कुछ एक्सरसाइज आज है नहीं, कोई ऐप वर्कआउट वगैरह है नहीं, लेकिन सिर्फ आपको दिखाने के लिए अभी मैंने शर्ट निकाला, बिकॉज आई एम लुकिंग दैट गुड. और शर्टलेस यार ऐसे कौन घूमता है इंडिया में, सो हिट सब्सक्राइब. आई वॉन्ट टू शो यू वन मोर थिंग, और वो ये बात है कि मेरे मसल डेफिनेटली आपको कम लगेंगे, लेकिन उसका शेप देखो. और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है आपको पता है, जो आउटर हेड है वो देखो आप, मतलब ये पहली बार देखा है मैंने, बिकॉज ये बॉडी फैट काफ़ी लीन होता है, और थोड़े सफिशेंट मसल हो तभी ये दिखता है, बिकॉज ये चीज़ मैंने हमेशा आर्नोल्ड के पास देखी थी, एंड आर्नोल्ड हेड
the best peak, outer bicep peak. तो वो चीज़ इजीली नहीं मिलती, उसके लिए आपको डेफिनेटली थोड़े बहुत मसल होने चाहिए और लीन लेवल्स, मतलब काफ़ी लीन होना पड़ता है. बाकी आप दूसरे यूट्यूबर जो है नॉर्मल, उन पर ये सारी चीज़ें दिखेगी. तो आई एम ट्राइंग टू बी अ सुपर मॉडल, तो एक मेन स्ट्रीम लुक के लिए मैं ज़्यादा मसल गेन नहीं कर रहा हूँ. तो दैट इज़ माई पर्सनल चॉइस. और सो यू नो, आपको शेयर करना पड़ेगा, कोई कनेक्शन कराओ मॉडलिंग में, बिकॉज दैट इज व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन. अब ये चीज़ पहन लेते बिकॉज वरना कोई आ जाएगा. वैसे यार मैं यहाँ पे मार रहा था, किसी ने देखा नहीं. माय गोल वाज टू इम्प्रेस एवरीवन, लेकिन अभी काफ़ी लेट हो गया था बिकॉज 8-9 बजे कौन आता है वॉकिंग करने. तो कभी 6-6:30 पर आकर मुझे ये सारी चीज़ करनी पड़ेगी, तो वी कैन पिकअप मोर सब्सक्राइबर्स, लेकिन अभी के लिए इतना काफ़ी है. Came here to use sunscreen, but I'm waiting for my phenomenal director to come up. फॉर ग्रोसरी शॉपिंग, ग्रोसरी की शॉपिंग करने, लेकिन आई एम टू वरीड कि जो अभी 9:30 बज रहा है, 9:30 बज रहा है, मतलब अभी तो 9 ही बजे, लेकिन वापस आते आते शायद 10 बजे या फिर ट्रैफिक वाफिक हो गया तो फिर 11 बज गए. तो ये जो मेरी वैम्पायर्स की ने जो एकता कपूर मुझे रोल देने वाली है, उसका यार फिर कुछ मुश्किल हो जाएगा. तो आई डोंट वॉन्ट टू टेक एनी चांसेस. तो ये SPF 50 है, तो अभी 9:10 है, इसलिए लैक्मे का चल जाएगा, वरना फिर न्यूट्रोजिना का सही रहता है. तो यू गॉट अ टेक केयर, बिल्डिंग मसल एंड स्टेइंग लीन अलोन इज नॉट गोइंग टू कट एनीथिंग. ओके, तो ये सनस्क्रीन लगाएंगे सबके बीच में, मुझे कुछ शर्म जैसा है नहीं, लेकिन ऊपर क्यों है कि ज़्यादा लोग देखना पड़ रहा. और एवरीवेयर ऐसा नहीं कि खाली फेस पे ही लगाना है, पूरी जगह पे, मतलब ये हाथ जितने भी बार रहे वहाँ पे भी लगा दीजिए. और मैं तो काफ़ी ज़्यादा सनस्क्रीन लगाता हूँ और उससे एब्जॉर्ब होने में टाइम लगता है, तो 15-20 मिनट के बाद ये काम करना चालू ही करेगा. तो आपको 15-20 मिनट सन के एक्सपोजर में जाए उससे पहले आपको लगाना होगा. लेकिन अभी जो सन है वो डेफिनेटली लाइट है, तो उससे उतना कुछ सनबर्न नहीं होगा. लेकिन जो 9:30-10 का मेरी स्किन 10-11 हो गए, तो फिर डेफिनेटली बर्निंग होना चालू हो जाएगी. बिकॉज जितनी आपकी स्किन वाइट होती है, मतलब कितनी आपकी स्किन फेयर है या फिर पेल है, उतना जल्दी से आपकी स्किन बर्न होना चालू होती है. अगर मेरी स्किन थोड़ी डार्क होती तो फिर मुझे उतना ज़्यादा कुछ वरी नहीं करना पड़ता. और ऐसा कुछ कलर का मुझे है नहीं, देखो मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो क्या है कि जो वैसे डार्क पीपल अगर नेचुरली डार्क हो तो वो काफ़ी अच्छे दिखते हैं, जो वाइट पीपल नेचुरली वाइट हो, मतलब फेयर हो, तो वो काफ़ी अच्छे दिखते हैं. और मेरी जो स्किन है वो नेचुरली फेयर है, तो मैंने एक बार डार्क होके भी ट्राई करा था, मेरी गर्लफ्रेंड को डार्क लुक पसंद था, तो आई गॉट डार्क एंड दैट आई कुडंट पुल ऑफ द डार्क लुक. तो उसमें मैं काफ़ी, मतलब मुझा नहीं आया था, मेरा लुक वाइट ही सूट करता है. तो इसलिए जो भी नेचुरल चीज़ मुझे मिली है उसे मैं सिर्फ प्रिजर्व करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें करता रहता हूँ. और अभी ग्रोसरी के लिए निकलेंगे, आई थिंक द सनस्क्रीन हैज़ अप्लाइड. और अभी क्या है, बॉडी दिखाने का मुझे कोई शौक नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पर सबने देख लिया, अभी तो ये जैकेट भी पहन लूँगा मैं, तो वहाँ पर कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. मुझे कन्वर्ट कराया था वो कस्टमर रिटर्न जाता है, क्योंकि डबल पाव भेगा आज ही यो मैंने, इसलिए बंद कर दिया. हां सब टाइम बीनो पे हमारा मैं बाहर गाड़ी हमने पहले जा रहा था यार, वीडियो बनाना है, बहुत बहुत क्या
I did a lot of shopping today, so I won't have to shop for like a week or 10. So he's my best friend and he won't even charge me a single rupee. So ye sari cheez mujhe free mein milne wali hai. Iske kitne paise honge? Free. Definitely free. Yes. No, YouTubers don't have to pay for anything. Currently at Tahil's office, so we bought so many things. These are only some things. Baki ki cheeze ye bag ke andar hai, bag puri full hai aur Tahil ke bina YouTube channel run karna namkin hai basically. So thank him. He's the creator and everything, man. He shoots videos aur yahan pe aap dekhiye. तो अभी वो ऑफिस खोलते हैं, फिर मैंने अभी तक उसकी ऑफिस नहीं देखी कभी. तो दिस इज द फर्स्ट टाइम, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. बट ही इज इन नो हरी टू ओपन हिज ऑफिस. काफी धीरे धीरे जा रहे हैं, सो विल सी.